मेरी तरफ से तमाम व्यूअर को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैंने जो पहले पुणे से सुरनकोट तक पहला पार्ट दिखाया था, दूसरा पार्ट मैंने सुरनकोट से रजौरी तक दिखाया था, आज मैं रजौरी से सुंदरबनी तक दिखा दूंगा। ये अभी मैं रजौरी से निकला हूँ। मैं एक ही पार्ट में भी दिखा सकता, एक ही वीडियो बना के भी दिखा सकता आपको सीधे पुणे से जम्मू तक, लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने पार्ट वाइज आपको दिखा दी कि आप ये देखें कि पुणे से जम्मू तक कैसा रोड कैसा है। अगर आपने कभी आना होगा या जाना होगा, इस वक्त भी जाम लगा है क्योंकि रजौरी से जम्मू के बीच में ये 4 लेन बन रही है, वाइडनिंग हो रही है, इसकी वजह से कभी कभी जाम भी लगता है और बहुत सारी जगहों में रोड ख़राब भी है। तो अभी हम जाम में फंसे हुए हैं, देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं। क्योंकि हमें पहले वेट करना पड़ रहा है कि जो उधर वाली गाड़ियां वो निकल आएंगी, फिर हमारी गाड़ियां यहां से निकलेंगी। वाइडनिंग की वजह से रुकना पड़ रहा है, देखो कितनी ख़राब रोड हो रही है। चलो ये हमारे लिए ही है, वाइडनिंग हो रही है तो एक दो साल अगर हम लोग बर्दाश्त करेंगे, फिर हमने ही इस रास्ते में चलना है। तो अभी हम चल रहे हैं आगे की तो, और ग्रीनरी भी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है। सामने पहाड़ पूरे ग्रीन, बादल इतने अच्छे लग रहे हैं जैसे रुई रुई है। तो ये सब चीज़ में आप भाइयों के लिए है, आप व्यूअर्स के लिए है कि आपको पता लगे कि रोड कहाँ से कहाँ तक कैसी है, क्या है। अगर आपने जाना होगा तो आप उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाएंगे। अभी मैं कलर पहुंच गया हूं, कलर मैं सिक्योरिटी बड़ी चेक करके हर एक गाड़ी को छोड़ते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ये जो यहाँ से ऊपर चिंगस के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने जम्मू आना है इसलिए मैं सीधे ही आगे ही आ रहा हूँ। अभी यहाँ पे आगे मस्जिद शरीफ भी आएगी, अभी नमाज पढ़ने का टाइम है, देखता हूँ फिर आगे कहीं मस्जिद नहीं मिलेगी, मैं यहीं पढ़ लूँगा नमाज। तो ये रास्ते के साथ ही है इसलिए यहाँ पे मुझे कुछ देर के लिए गाड़ी से उतरना पड़ेगा। ये है मस्जिद शरीफ, मैं नमाज पढ़ ही लेता हूँ, आपको मैं मस्जिद शरीफ भी दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सड़क के साथ है, यहाँ पे बाहर वॉशरूम वगैरह सब बने हैं, कभी किसी को कोई इमरजेंसी हो तो वो यहाँ पे उतर भी सकते हैं, जा सकते हैं। ये देखो कितना नज़ारा, कितनी ग्रीनरी, कितना खूबसूरत यहाँ से दिखाई दे रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से। ये गुरुद्वारा भी है, ये भी बिल्कुल सड़क के साथ है। अब हम सुंदरबनी पहुँच गए हैं। ये सुंदरबनी
हमने यहाँ पे सिटी में नहीं जाना है क्योंकि आगे सिटी में मैंने तो जम्मू आना है, इसलिए मैं बाहरों बाहर निकल जाऊँगा। सिटी तो अंदर है, आगे जाके जो है वहाँ पे राइट साइड जाना है, वहाँ सिटी है। यहाँ से राइट साइड हम जाएंगे तो सिटी आएगी, लेफ्ट साइड जाएंगे तो हम जम्मू की ओर जाएंगे। तो अब मैंने जम्मू आना है इसलिए मैं सिटी की ओर नहीं गया हूँ। तो आज मैं आपको यहाँ तक ही दिखा पाऊँगा, सुंदरबनी तक। देखो कितनी खूबसूरत है सुंदरबनी, बहुत ही प्यारी है। इधर से इसलिए ज़्यादा ही प्यारी लग रही है क्योंकि यहाँ पे इस साइड से आर्मी वाले हैं, आर्मी वाले सफाई भी बहुत रखते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इनकी अच्छी सफाई होती है। तो मैं बस थोड़ा यहाँ तक ही दिखाऊंगा, सुंदरबनी तक ही, लेकिन थोड़ा सा ये आर्मी का एरिया दिखा दूंगा कि कितना साफ सफाई ये रखते हैं। तो ऐसे हम सब लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, चाहे घरों में है, चाहे अपने घर में है, चाहे घर के बाहर है। तो हमें सबक लेना चाहिए इन लोगों से या अपने जवानों से कि ये कितना खूबसूरत रखते हैं, वैसा ही हमें भी अपने आसपास चारों तरफ खूबसूरत रखना चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए। तो ये मैं सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता हूँ यहाँ से, नहीं तो मैं पीछे ही ये वीडियो बंद कर लेता, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए कि कितना सफाई रखते हैं ये लोग, और हम सबको भी ऐसे ही सफाई रखनी चाहिए। अभी मैं सुंदरबनी में ही हूँ, थोड़ा सा सिर्फ आर्मी एरिया जो है वो क्रॉस करके आपसे रुख्सत ले लूँगा, आपसे इजाज़त ले लूँगा। मुझे अपने दांव में याद रखना और अपना आप सब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए।